बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के उद्देश्य से जिलाधिकारी विजय किरण आनंद के पहल पर विकास भवन में बनाए गए पहले निपुण भारत मॉनिटरिंग सेंटर का रविवार को प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उद्घाटन किया। इस अवसर पर जिलाधिकारी विजय किरण आनंद और CDO इंद्रजीत सिंह ने पुष्प देकर अतिथियों का स्वागत किया और मॉनिटरिंग सेंटर के कार्यों की जानकारी दी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश के अंदर शिक्षा की आधारभूत इकाई बेसिक शिक्षा परिषद ने तकनीक का बेहतर उपयोग करते हुए निपुण भारत योजना के अंतर्गत GIS आधारित विद्यालयवार परफॉर्मेंस किट मैप लर्निंग कम आउट मैप आधारित इस योजना का शुभारंभ हुआ है। उन्होंने कहा कि यह मेरे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि 2017 में जब सरकार ने अपना दायित्व संभाला था तो उस समय बेसिक शिक्षा परिषद के अंदर 1,30,00,000 बच्चे रजिस्टर्ड थे। उस समय विद्यालयों की स्थिति दयनीय थी। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि पिछले 4.5 वर्ष के अंदर बेसिक शिक्षा परिषद ने बेहतरीन प्रदर्शन किया और तकनीक अपनाकर पारदर्शी तरीके से न केवल शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया को पूरा किया है, छात्रों व शिक्षकों का रेशियो भी बेहतर किया है। दुनिया के अंदर उत्तर प्रदेश संभवतः पहला ऐसा राज्य है जिसमें बेसिक शिक्षा परिषद में छात्रों की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। लगभग 50,00,000 बच्चे नए बढ़े हैं। ऑपरेशन कायाकल्प में बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालय दर्शनीय हुए हैं। विद्यालयों में क्लासरूम, फर्नीचर, टॉयलेट, पेयजल की व्यवस्था, स्मार्ट क्लास की व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोरोना काल के दौरान बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिसमें लॉकडाउन के समय में भारी मात्रा में प्रवासी कामगार एवं श्रमिक अपने घरों को वापस चल दिए थे। राजस्व विभाग को निर्देश दिया गया कि लोगों के लिए कम्युनिटी किचन की व्यवस्था की जाए। तकनीक की सहायता लेकर पूरे प्रदेश की कम्युनिटी किचन की निगरानी की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि ड्रॉपआउट समस्या का समाधान होगा तथा नई शिक्षा नीति को प्रभावी रूप से लागू करने में सहायक होगी। उन्होंने कहा कि निपुण भारत योजना से प्रदेश के विद्यालयों को जोड़ने के लिए प्रेरित कर विद्यालयों में आमूलचूल परिवर्तन करने में मदद मिलेगी। इसे अन्य जनपदों में भी लागू किया जाएगा। इस अवसर पर विधायक डॉ. राधामोहन दास अग्रवाल, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री संजय प्रसाद, जिलाधिकारी विजय किरण आनंद, मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह, मुख्य राजस्व अधिकारी सुशील कुमार गौड़, जिला पंचायत राज अधिकारी हिमांशु शेखर ठाकुर, BSA रमेंद्र कुमार सिंह सहित बेसिक शिक्षा के अधिकारी मौजूद रहे। कोड़ी राम में जैसे कक्षा 3 में सरल ऐप पे एग्जाम हुआ है, ये बताएगा कक्षा सब्जेक्ट इवन क्वेश्चन तक का बताएगा। जैसे देखिए कोड़ी राम का हिरौली स्कूल है और ये है 99 तक की संख्याओं को जोड़ 3 में इस क्वेश्चन को 30% बच्चों ने सही किया। हिरौली कोड़ी राम ब्लॉक ये कैसे आप टेस्टिंग कर सकते माननीय मुख्यमंत्री जी के सत्रों का उत्तर प्रदेश में निर्मित हो रहा है और हम इस पल के साक्षी गवाह हैं। जोरदार तालियों से इसका हम आज इस निपुण भारत मॉनिटरिंग सेंटर में चौथे आपके नेतृत्व में यह उत्तर प्रदेश नित नई ऊंचाइयों को छू रहा है और मैं ऐसे भी विद्यार्थियों की आवश्यकता है ताकि अकादमी
सरल मोबाइल एप्लीकेशन से किया गया था आसानी से अभिभावकों के साथ साझा किए जा सकते हैं। सब बचत होती है। आने वाले महीनों में गोरखपुर में डाइट गोरखपुर मासिक तौर पर सरल ऐप के माध्यम से प्रश्न पत्रों की तैयारी और आकलन का संचालन करेंगे। आकलन से संबंधित डेटा संग्रह और संचालन जितना महत्वपूर्ण है उतना ही डेटा का सही उपयोग एवं इनसाइट जनरेशन महत्वपूर्ण है। विद्यालयवार परफॉर्मेंस हीट मैप्स, लर्निंग आउटकम मैप्स आदि डेटा समर्थित निर्णय लेने में सहायता करते हैं। निपुण भारत मॉनिटरिंग सेंटर में शामिल टीम गैप एनालिसिस से आंतरिक रूप से योजनाओं को बनाने में सक्षम होगी। रियल टाइम डैशबोर्ड स्कूल स्तर से लेकर जिला स्तर तक डेटा प्रदर्शित करेगा, जिससे कॉल सेंटर टीम अकादमिक और प्रशासनिक पहल के अनुपालन को बढ़ाने के लिए फील्ड कॉल करेगी। को एक निपुण विद्यार्थी बनाने की दिशा में लगातार कार्य कर रही है। बच्चों के चेहरों की मुस्कान इस बात का प्रमाण है कि अगर इरादे मजबूत और ईमानदार हो तो हर किसी के सपने साकार हो सकते हैं। हर एक बच्चे का लर्निंग आउटकम्स वाइज स्कूल वार सब्जेक्ट वार ग्रेड वार सभी है। नई शिक्षा नीति में जो रियल टाइम असेसमेंट करते हैं, जिसमें आपने हमेशा कहा है कि हमेशा आकलन करते रहना चाहिए, इसमें बच्चों की उपस्थिति, बच्चों के पढ़ने का स्तर और जो गोल्स हैं वो सब हासिल करेंगे, सभी रियल टाइम डेटा प्रणाली के अंतर्गत हो रहा है। सभी डेटा और कितने हमारे ईआरपी विजिट कर रहे हैं, शिक्षक संकुल की बैठकें कैसे हो रही, हेडमास्टर्स की बैठकें हो रही कि नहीं, सभी चीज़ इसमें ऐसे मॉनिटरिंग हो रही है। और पूरा डिजिटल समृद्ध मॉड्यूल के माध्यम से जो अभी इतने दिनों बाद बच्चे आए हैं, समृद्ध मॉड्यूल के माध्यम से उनका लर्निंग आउटकम प्राप्त करने का भाषा और गणित के लिए हम लोगों ने विशेष सामग्री भी दी है, प्रशिक्षण भी दिए थे और ये सब अभी QR स्कैन भी है सर, घर में भी वो स्कैन करते हैं सर, मोबाइल से दीक्षा आप पढ़ सकते हैं ऐसे प्रणाली सब। अभी यहाँ से हम लोग हमारे ERP जो ऐसा सर बैठ के सर इन सबके साथ ऐसे 5,000 वीडियो यूपी गवर्नमेंट के और इस लर्निंग इस मॉनिटरिंग सेंटर से ERP जैसा सभी का टीचर्स कर सकते हैं क्या इनसाइट्स भी देने का हम लोग आपने मार्गदर्शन किया था। आज के सर निपुण भारत योजना कार्यक्रम में यहाँ पर उपस्थित गोरखपुर के विधायक डॉक्टर राधामोहन दास अग्रवाल जी, कालीबाड़ी के मोहन जी, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय श्री संजय प्रसाद जी, जिलाधिकारी गोरखपुर, बेसिक शिक्षा अधिकारी गोरखपुर समेत गोरखपुर के प्रशासनिक और बेसिक शिक्षा विभाग से जुड़े हुए सभी अधिकारीगण, मुझे प्रसन्नता है कि प्रदेश के अंदर शिक्षा की आधारभूत इकाई बेसिक शिक्षा परिषद में तकनीक का बेहतर उपयोग करते हुए निपुण भारत योजना के अंतर्गत GIS आधारित विद्यालयवार परफॉर्मेंस हीट मैप, लर्निंग कम आउट मैप आदि से संबंधित इस योजना का आज शुभारंभ हुआ है। ये मेरे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि 2016-2017 में जब प्रदेश में हमारी सरकार ने अपना दायित्व प्रारंभ किया था तो उस समय प्रदेश के अंदर बेसिक शिक्षा परिषद के अंदर 1,30,00,000 बच्चे विद्यालयों में रजिस्टर्ड थे।
और बहुत सारे विद्यालयों में जाकर के हम लोगों ने जब देखा तो उस समय ये चीजें सामने मिली थी कि प्रॉक्सी टीचर की एक व्यवस्था यहां पर है। दूसरा, विद्यालयों की स्थिति अत्यंत दयनीय थी, बच्चों को अक्षर ज्ञान के बारे में भी पूरी जानकारी नहीं थी, और जब विद्यालयों की स्थिति खराब होगी तो उनकी परफॉर्मेंस मैपिंग की बात तो अपने आप पे बेमानी हो जाती है। तकनीक की बात तो दूर, वहां पर मैनुअल भी कोई काम नहीं हो पाता था। लेकिन पिछले 4-4.5 वर्ष के अंदर बेसिक शिक्षा परिषद ने बेहतरीन प्रदर्शन किया और तकनीक को अपना करके न केवल पारदर्शी तरीके से शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया को पूरा किया है, छात्र और शिक्षक के रेशियो को बेहतरीन किया है, बल्कि दुनिया के अंदर उत्तर प्रदेश संभवतः पहला ऐसा राज्य है जिसमें बेसिक शिक्षा परिषद में छात्रों की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। लगभग 50 लाख से 55 लाख बच्चे नए बने हैं। ऑपरेशन कायाकल्प में हर बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालय आज न केवल दर्शनीय है बल्कि बहुत कुछ नई प्रेरणा प्रदान कर रहे हैं। वहां पर क्लासरूम की व्यवस्था, उन क्लासरूम की फ्लोरिंग, फर्नीचर, बालक और बालिकाओं के लिए सेपरेट टॉयलेट, पेयजल की व्यवस्था, स्मार्ट क्लास के साथ उनको जोड़ने की प्रक्रिया को आगे बढ़ना, ये बहुत सारी चीजें हुई हैं। लेकिन इस सब के बावजूद हम एक जगह से बैठ करके इसका उपयोग कर सके। मुझे याद है जब कोरोना महामारी आई मार्च 2020 में, 25 मार्च से लॉकडाउन प्रारंभ हुआ और हम सबके सामने उस समय एक समस्या आ गई कि बड़ी मात्रा में प्रवासी कामगार और श्रमिक अपने घरों की ओर वापस चल दिए। सबसे ज्यादा इस चुनौती का सामना करना था उत्तर प्रदेश को, तो मैंने उस समय इस बारे में कहा राजस्व विभाग से कि वह न केवल प्रवासी कामगारों के लिए बल्कि लॉकडाउन के कारण हमारे कुछ वर्ग प्रभावित हो सकते हैं, क्योंकि अगर बड़े समुदाय की जान को बचानी है तो समुदाय की समस्या का समाधान करते हुए हमें लॉकडाउन को प्रभावी बनाना पड़ेगा। और लॉकडाउन को प्रभावी बनाने के लिए मैंने कहा है, रिक्शा चालक है, मजदूर है, कुल्ली है, ठेला लगाने वाला है, स्ट्रीट वेंडर है, कहां जाएगा? इसके पास कोई ठोर ठिकाना नहीं है, भोजन भी नहीं है, तो कम्युनिटी किचन की व्यवस्था, तो कम्युनिटी किचन की व्यवस्था को हम मॉनिटरिंग कैसे करेंगे? तो उस समय हम लोगों ने इस तकनीक को वहां पर अपनाया था और उस समय हम लोगों ने वीडियो वॉल बना करके लखनऊ में ही और हर एक जिले की कम्युनिटी किचन को उसके साथ जोड़ने और वहां के माध्यम से फिर एक एक कार्य को हम वहां से मॉनिटरिंग करते थे। इतना सफल प्रयोग रहा, उसका परिणाम हम सबके सामने है और मुझे प्रसन्नता है कि निपुण भारत योजना शिक्षा की आधारभूत इकाई, खासतौर पर बेसिक शिक्षा परिषद, जब बच्चों पर विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है तब हम उसके बारे में वह न तो उसको सामान्य ज्ञान ही दे पाते हैं, ना उसको अक्सर ज्ञान की जानकारी होती है, ना हम उसको तकनीक के साथ जोड़ने का प्रयास ही कर रहे हैं, और अंततः वही बच्चे स्कूल ड्रॉप आउट की जो समस्या खड़ी होती है इसी के कारण होती थी। लेकिन अब निपुण भारत योजना के माध्यम से हम लोग इस समस्या का समाधान करने में मदद मिलेगी और इसका सबसे बड़ा लाभ हमें प्राप्त होगा भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की दिशा, प्रधानमंत्री मोदी जी की जो परिकल्पना है उसको साकार करने में। और मेरा विश्वास है कि आज निपुण भारत योजना न केवल यहां पर रियल टाइम डैशबोर्ड के रूप में यहां पर बेहतरीन परफॉर्मेंस के साथ कार्य कर पाएगा बल्कि प्रदेश के अन्य जनपदों को भी इस दिशा
सभी विद्यालयों को इसके साथ जोड़ने के लिए प्रेरित कर पाएगा। प्रदेश के अंदर इस प्रकार के सेंटर से बेसिक शिक्षा परिषद में आमूलचूल परिवर्तन लाने में सफल होंगे। इसके माध्यम से ही प्रदेश के अंदर जब तक तमाम कार्यक्रम चले हैं, हम लोगों ने अभी एक व्यवस्था बनाई है कि प्रदेश के हर कस्तूरबा विद्यालय में CSR मद से स्मार्ट क्लास बनाने की व्यवस्था, इसको हम बहुत शीघ्र लागू करने वाले हैं। अन्य स्कूलों में भी एक प्रक्रिया तेजी के साथ चली है, लोग आना चाहते हैं। पुरातन छात्र परिषद का गठन करके भी हम जैसे ऑपरेशन कायाकल्प में बहुत अच्छी मदद मिली है, ऐसे हम बहुत सारी योजनाएं जो बेसिक शिक्षा परिषद ने इस दौरान प्रारंभ की है, इसको लागू कर सकते हैं। मैं निपुण भारत योजना को गोरखपुर में सफलतापूर्वक लागू करने के लिए जिलाधिकारी गोरखपुर, मुख्य विकास अधिकारी गोरखपुर, बेसिक शिक्षा अधिकारी गोरखपुर और बेसिक शिक्षा परिषद की पूरी टीम को इसके लिए हृदय से बधाई देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि गोरखपुर की तर्ज पर अन्य जनपद भी इस योजना के साथ जुड़ करके देश के भावी भविष्य, इन बच्चों के बेहतरीन शिक्षा के लिए कार्य कर पाएगा। इस पूरी पहल के लिए बहुत बहुत बधाई, मेरी शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद।